इन जी एस पेपर थ्री एंड वन फोर्टी थ्री इन एथिक्स तो अगर सारे जी एस में देखें तो सबसे हाइएस्टी थ्री एथिक्स में ही है एंड क्यूमुलीट डेफिनेटली प्लेज रोल इन योर रैंक तो ये जो मार्क्स हैं एथिक्स के दे आर डिसाइडिंग फैक्टर इफ यू सी अनिमेश प्रधान फोर मार्क्स विच इज एंडीड अगर इस साल के हिसाब से देखें तो बहुत ही टॉप क्लास के मार्क्स हैं आपने तुषार के नंबर देखे होंगे अश्विन के देखे होंगे जिनकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपने पोर्टल पे हमारे स्टूडेंट्स की डाली है सो एथिक्स इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन योर रैंक अब उसमें आपके मार्क्स बाकी डेफिनेटली ऑप्शनल और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं अगर एथिक्स के मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया देन चांसेस आर वेरी गुड दैट यूल टॉप रैंक्स ऑफ द लिस्ट राइट सो डू नॉट इग्नोर एथिक्स अभी से अपने पास टाइम है वी आर स्टिल ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई अभी बीस तारीख आने वाली है अभी बीस से अगर आप बीस भी माने फिर अगर सेप्टेम्बर भी देखेंगे वी हैव गुड टाइम वेयर वी कैन नॉट ओनली अभी तक आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव रिवाइज वेरी वेल नाव यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम औरिएंटेशन यू हैव टू फोकस ऑन यफिशियंसी अब उस एफिशियंसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए दैट वी विल अंडरस्टैंड बट वी शुड ऑल्सो नो सर्टन फैक्ट्स ऑफ दिक्स आंसर And before I discuss that, let me reiterate another fact which I have already discussed in another video of answer writing that toppers answers analysis. Agarap toppers answer copies and ethics kalib karna hai sare subjects. Ke liye karna hai. When you will take the toppers copies, you will analyze and you will also find that their answers are simple, relevant, structure and multidimensional. Same approach you have to follow in ethics as well. एथिक्स के आंसर्स भी एकदम सिंपल होने चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए स्टूडेंट्स मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं एथिक्स का पेपर है लेट मी राइट सम कॉम्प्लेक्स स्टफ जबरदस्ती के बहुत सारे नाम बहुत सारे की वर्ड्स राइट इट स्प्रिंकल इट इन अप्रोप्रिएट मैनर यू डोंट हैव टू एनीथिंग ओके सिंपल इट हैज टू बी सिंपल लिखना है रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना है वॉट एवर आंसर यू आर राइटिंग इट शुड भी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एज वेल एथिक्स है प्रैक्टिकल होना चाहिए उसमें स्ट्रक्चर इट हैज टू बी स्ट्रक्चर देर वुड बी सर्टन क्वेश्चन विच विल डिमांड योर पॉइंट वाइज फॉर्मेट प्रेजेंटेशन देर वुड बी सम क्वेश्चन विच विल डिमांड पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट बट वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट हैज टू बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये तो आपका प्रेजेंटेशन हो गया जो फ्लो होना चाहिए कॉन्टेंट का इट हैज टू बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर उसमें भी प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉइंट्स की एंड इन डीड इवन इन एथिक्स यू हैव टू राइट अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं दे द रेलिवेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट इवन इन दैट कोर्ट यू हैव टू बी शो योर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जब आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रिफ्लेक्ट करोगे देन ओनली यू विल कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु इज थिंकिंग अप्लाइंग लॉजिकली प्रैक्टिकली वो रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों से राइट सो दैट वे यू हैव टू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड अगेन एंड अगेन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जाके देखिए राइट दिस विल हेल्प यू टू गेट अ हैंग ऑफ आंसर राइटिंग फ्रॉम टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू और टॉपर्स के आंसर्स में जो क्वालिटीज होती हैं वो आप मेंटेन करोगे यू विल एक्सेल एथिक्स के कुछ चैलेंजेस हैं जो एथिक्स पेपर है उसमें कुछ चैलेंजेस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो भी समझना जरूरी बिकॉज दैट इज अब प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं कि लेंदी पेपर है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन ए में टेक्निकली कहने को सेवन क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन हैं, बट उसके अंदर सब पार्ट सब पार्ट्स सो ए बी ए बी वो पेपर बहुत लेंदी बन जाता है सेक्शन ए ही लेंदी हो जाता है देन वी है स्टडीज के स्टडीज के लिए चार पेपर मिलते हैं दोस्तों डोंट नो अबाउट इट चार पेजेस आपको मिलेंगे लिखने के लिए सेक्शन ए में क्वेश्चन लेंदी लगेगा क्वेश्चन बड़ा होगा यह क्वेश्चन छोटा भी होता है यू विल गेट ओनली टू पेजेस बट यू विल फील लाइक यू हैव लॉट ऑफ स्टेफ टू राइट

right so vague looking questions will be there sometimes the quotation will be there and it is a perennial problem of the students. sir quotation based questions ko you handle kiya avoiding gs trap now we have already by the time you will write ethics you would have already written gs1 gs2 gs3 essay aap likh so we have this mentality especially on ethics paper day or so gs3 you would have written in the morning now there is a break and after that you are writing gs4 paper सो डेफिनेटली योर माइंड विल बी ओवर लोडेड विद जी एस नॉलेज जी एस के फैट जी एस के डेटा जी एस से रिलेटेड की वर्ड्स यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रैक बिकॉज वेन यूर राइटिंग एथिक्स पेपर योर माइंड शुड बी लोडेड विथ एथिक्स चारगंस की वर्ड्स फिलोसफर्स जो एग्जाम्पल्स आपके लाइफ से हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द लीडर्स पॉलिटिशियंस और द सिविल सर्वेंट्स वो सारी चीजें होनी चाहिए सो यू हैव टू अवॉइड यू शुड नो हाउ टू हाउ क्विकली यू शुड स्विच इन टू दी जी एस फोर मोड एंड इट अ चैलेंज इन डी दैट यू हैव टू राइट प्रैक्टिकल ओपिनियंस प्रैक्टिकल ऑप्शन प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड्स इन एथिक्स बट वी एंड अप राइटिंग आइडियल हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें अपने आइडियलिज्म को दिखाना है यू हैव टू बी आइडियल बट अल्टीमेटली एथिक्स पेपर फॉर दैट मैटर यू आर गोइंग टू सर्व दंट्री एज सिविल सर्वेंट यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल ऑप्शन ट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो कीप दीज पॉइंट इन माइंड दीज आर दैलेंजेस कीपिंग दीज पॉइंट इन माइंड योर नेक्स्ट वन पॉइंट फाइव मंथ शुड बी प्लान डिजाइन एंड दैट इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस अगर आपने देखा हो कि जो भी हम एथिक्स के आंसर पे आज पीवाज हमारी चल रही है पी वाई क्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर टेकिंग दैट अप्रोच फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल गेट हाउ टू थिंक हाउ टू राइट मल मल्टी डायमेंशनल हाउ टू प्रायोरिटाइज अगर नहीं देखें तो ये वीडियो जाके देखिये वी आर डिस्कसिंग द पी आई क्यूज क्वेश्चन एंड थ्रू दट वी आर लर्निंग दी कंटेंट वी आर लर्निंग द पॉइंट्स वी आर लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर आवर आंसर डिकोड कर रहे हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन योर थिंकिंग एबिलिटी नाउट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी वट शुड भी आर वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल रखना है बट उसको बार बार प्रैक्टिस करना है फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू द कीवर्ड एनालिसिस यू फाइंडिक्स का जो सिलेबस है देर आर सर्टन की वर्ड मैं जी एस पोर्शन बट मेनी टाइम्स इट है मीनिंग ऑफ द कीोशनल इंटेलिजेंस दिया है तो इमोशनल इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या है राइट एप्टीट्यूडीट्यूड कीवर्ड इज द मीनिंग ऑफ डेट पॉलिटिकल वैसे बहुत सारी चीजें हैं सो यू नीड टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द कीवर्ड्स गिवन इन सिलेबस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन वट ऑल यू हैव रेड यू शुड हैव वन पेज नोट्स फॉर एवरी की गिवन इन दिलेबस उसके हॉलिस्टिक नोट्स होने चाहिए डायमेंशन वाइज होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा हो बस उसको copy there No, don't do that. Whatever you have understood with respect to that keyword given in the syllabus, based on that, you see also analyze that what kind of questions has been asked. Now, based on that, you have do you have sufficient content with you or not? Right? So that way you analyze and prepare one-page notes for all those keywords. Then examples and quotations you should collect from your life and the life of others as well. अपनी लाइफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेन यू हैव रिफ्लेक्टेड दैट यू हैव हेल्पिंग नेचर वेन हैव यू रिफ्लेक्टेड दैट यू आर ऑनेस्ट यू फॉलो इंटीग्रिटी सो आप जिन वैल्यूज को भी क्लेम करते हैं दैट आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन यू शुड हैव है फ्रॉम योर लाइफ एंड यहां पे बहुत हैवी बहुत हाई है फाई एग्जाम्पल्स के लिए आपको हंट नहीं करना है डो नॉट लुक फॉर एनी परफेक्ट एग्जाम्पल

So you have to collect, you have to reflect upon yourself as well and collect examples from your life. Definitely, you have to collect the examples from the lives of the political figures, the leaders, celebrities. Yeah, civil servants hain, unka answers may help. Lagta hain. Philosophers. Reverse engineering and prepare your brain to handle the randomness. A previous year questions. Legy. Start brainstorming. Take the question as it is coming. Try to think on the spot and write within time limit. लिमिट का हम आगे भी बात करेंगे बट हियर रैंडमनेस यू हैव टू प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट एवरीथिंग एज यू हैव प्रिपेयर सो हियर व्हाट यू हैव टू डू यू शुड फॉलो दिस अप्रोच की कोई भी क्वेश्चन आता है मैं लूंगा उसको रिवर्स इंजीनियर करके सीखूंगा स्पेशली विदेल्प ऑफ यू यू कैन डू द रिवर्स इंजीनियरिंग इट विल्प यू टू अंडस्टैंड ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्ट वॉट काइंड ऑफ कंटेंट यू शुड राइट एंड हाउ यू शुड राइट कीपिंग इन माइंड दी जो टॉपर्स के आंसर्स की क्वालिटीज है पांच वो क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए राइट नाउ द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड शुड बी प्रैक्टिस अंडर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नाउ यू नो दैट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दे दे डिमांड डिमांड योर टाइम योर डिफरेंट स्ट्रेटी आजकल स्पेशली केस स्टडीज के जो नेचर है वो चेंज हो रहा है हुआ है लास्ट टू थ्री ईयर से वी विल टॉक अबाउट इट इन वीडियो सो यू हैव टू प्रैक्टिस अंडर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स

Always after writing, you see whether you have added value to the question or not. Let's say you are practicing with your friend or you are practicing alone or so. Then once you have finished answer writing, then you read your answers. You will find that you have written some unnecessary word, unnecessary sentences or example which you You will read and find that whether you have written any ethical keyword, ethical jargon or not.

फंक्शनरीज जब आप फंक्शन कर रहे हो तो किस तरीके के डायलोमा है इफ यू आर प्लेइंग अ रोल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल तो किस तरीके के एथिकल एथिकल या इश्यूज ऐसे कुछ रेडी टेम्पलेट आपके पास होने चाहिए विल नॉट ओनली हेल्प यू टू सॉल्व द केस स्टडीज बट आपको सोचने में हेल्प करेगा जब रेडी टेम्पलेट्स होते हैं आवर माइंड विल बी फोकस्ड सो गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन पॉइंट फाइव मंथस या जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं दे विल हेल्प यू

So this is how you should proceed and uh, also I would say that if you are writing something and you are struggling, there are many students who are approaching us, then what should be my style? What should be my strategy? If you are one of those who are writing this May 2024 and you are struggling with answer writing, if you want to show us any of your answer, then do not hesitate. In the description box, you will find our uh, phone number, you will find our email ID. Feel free to approach us and ask your doubts. And you can also drop me personally your ethics answers and your ethics doubt on this Telegram ID. Right? And feel free to approach us in case of any problem related to ethics. So, see you with your doubts. Take care.